हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो रेसिपी है गणपति बप्पा के भोग है और बच्चों का मन पसंद। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिए हम गांव का कच्चा चावल है, ये मेरा धोकर पंखे में आधे घंटे के लिए सुखाया है, ज़्यादा नहीं। थोड़ा देखिए हल्का पानी जैसा लग रहा है, बराबर सूखा नहीं है, बस इतना ही है। और हम इसको भिगा के नहीं रखे थे, सिर्फ धो के और पंखे के नीचे थोड़ा कपड़े पे फैला दिए थे और थोड़ा सा खाली पानी सूख गया। और उसके बाद हम देखिए इसको मिक्सर में पीस लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा करके हम पीस लेते हैं, एक साथ नहीं पिसाएगा। अगर बड़ा वाला मिक्सर है तो एक साथ डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखिए पीस लिए हैं और एक बर्तन में हम रख लेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम लिए हैं 600 ग्राम चावल है मेरा, 1 किलो से कम है, 400 ग्राम, 600-700 ग्राम चावल होगा। देखिए सारा चावल बातों बातों में पिसा गया। अब फटाफट दूध गर्म करते हैं। और ये आपका दूध गर्म होने के बाद फ्रेंड्स, देखिए कितना अच्छा मलाई वाला गोकुल वाला दूध है। आप कोई भी दूध ले सकते हैं फ्रेंड्स। और ये दूध गर्म हो चुका है तो हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, चला लेते हैं। और आधा दूध इसमें हम खाली कर देंगे। आधे की 1 लीटर दूध था तो आधा लीटर दूध हम रख दिए। और आधा लीटर ये दूध है, इसमें थोड़ा सा केसर मिला दिए। कलर बहुत अच्छा आएगा और खुशबू आएगा और टेस्टी लगेगा बहुत। तो चलिए इसमें चावल का आटा डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा करके और अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको चावल का में अगर दूध कम पड़ रहा है तो साइड में जो रखे हैं दूध वो आप ले सकते हैं। और दूध में अगर नहीं बनाना फ्रेंड्स तो आप गर्म पानी करके उसमें थोड़ा सा नमक घी वगैरह डाल के आप बना सकते हैं। तो ये हम दूध में हम पानी वाला भी हम मोदक बनाए हैं, आप देख सकते हो मेरा चैनल पे। और ये हम दूध वाला मोदक बना रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी बनेगा। तो इसको हम ढक देते हैं, मिला दिए अच्छे से। अब इसको हम ढक देते हैं और गैस चालू करके हम कढ़ाई में गुड़ का जो मिश्रण है वो हम बना लेते हैं। तो ये हमारा देखिए गाँव का ही गुड़ है, ये सूखा गुड़ नहीं है, आप सूखा गुड़ भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हम 1/2 किलो गुड़ लिए हैं। गुड़ को हम अच्छे से हल्का गरम रखिएगा, लो फ्लेम रखिएगा, हाई नहीं रखिएगा, नहीं तो गुड़ जल जाएगा। इसमें हम पानी नहीं डाले हैं कढ़ाई में, क्योंकि सूखा गुड़ रहता है तो जल्दी नहीं पिघलता है, इसलिए जलने का डर रहता है, इसलिए पानी थोड़ा डाल देते हैं। तो ये मेरा जलने का डर नहीं है, ग्रेवी वाला गुड़ है तो हम थोड़ा सा पानी वगैरह कुछ नहीं डाले हैं। बस देखिए बातों बातों में आपका गुड़ भी उबलने लगा है, यानी कि डबकने लगा है, आप लोग क्या बोलते हैं अपने भाषा में। अब चलिए फ्रेंड्स, ये हम बता रहे हैं आपको, ये सूखा नारियल लिए हैं हम, 1/2 किलो है सूखा नारियल को हम घिस लिए हैं अच्छे से। आप ताज़ा नारियल भी ले सकते हैं। ये सूखा नारियल से जल्दी मोदक ख़राब नहीं होगा, अगर 2-4 दिन रख भी लेंगे ना तो ख़राब नहीं होता है। तो ये नारियल को हम मिला दिए गुड़ में, देखिए अच्छे से मिक्स कीजिए और गैस लो रखिएगा। गैस का यहाँ हाई का कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट से हम ये काजू बादाम भून के रखे थे थोड़ा सा हल्के तवे पे, सॉरी फ्रेंड्स खांसी हो गया थोड़ा। तो यहाँ पे हम देखिए ग्राइंड कर लिए, ज़्यादा बारीक नहीं किए हैं, बस मोटा दरदरा किए हैं देखिए। लेकिन हमको दरदरा बनाना था फिर भी बारीक हो गया, मिक्सर में तो बारीक हो जाता है, अब गिलास में भी चूड़ के डाल सकते हैं इसको। देखिए फ्रेंड्स आपका मिश्रण तैयार है। तो चलिए आपका ये चावल का आटा भी ठंडा हो गया और देखिए केसर का कलर कितना सुंदर आ रहा है, वाह दिख रहा है, देखिए कितना मस्त लग रहा है ना, बहुत टेस्टी लग रहा है, मुझे बहुत पसंद है केसर का कलर। तो आप केसर नहीं भी डालते फ्रेंड्स तो कोई वादा नहीं, बस है तो डाल दीजिए। इसमें घी मिला के, हाथ में घी लगा के हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, गूंथ लेंगे आटा जैसा, ये गुथा गया देखिए। अब इसको हम एक बर्तन में रख लेते हैं क्योंकि ये बर्तन का हमारा काम है। तो धो के यही बर्तन में देखिए फ्रेंड्स पानी ले लिए हम और स्टैंड रख दिए और इसको ढक देते हैं जब तक गर्म होता है। देखिए तब तक मिश्रण को हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। किचन उतना बड़ा नहीं है फ्रेंड्स तो एक कढ़ाई रखने में मुश्किल होता है, इसलिए हम छोटे बर्तन में निकाल लेते हैं। देखिए निकाल लिए। अब चलिए आपका ये गर्म हो गया पानी और ये घी लगा के इसको जो छेद वाला थाली है इसको आप क्या बोलते हैं वो हम यहाँ पर रख देते हैं, वो भी गर्म होगा तब तक हम मोदक बना लेते हैं। देखिए मोदक बनाने वाले में घी लगा दिया मैंने, अब हाथ से भी बना सकते हो, हाथ से हमने नहीं बनाया है, हम इसी से बनाएंगे।
तो चलिए फटाफट हम मोदक बनाते हैं। घी लगा दिए अच्छे से, अच्छे से लगाइएगा ताकि चिपके नहीं। और आप भर भर के यहाँ पे चावल का गुथा हुआ आटा इसमें डाल दीजिए और अच्छे से इसको शेप में अच्छे से दबा दबा के, और आप डाल दीजिए भर भर के मिश्रण यानी कि गुड़ और काजू बादाम का जो है टेस्टी मिश्रण, वो यहाँ पे भर दीजिए, अच्छे से दबा दीजिए। और साइड वाला जो बचा है वो आप यहाँ पे इस तरीके से मिला दीजिए। घी लगा के थोड़ा और चिकना कर दीजिए और ये हो गया आपका पहला मोदक रेडी। तो चलिए इसका जो किला है ये वो निकाल लेते हैं और मोदक निकाल के आपको बता रहे हैं। फ्रेंड्स बहुत टेस्टी मोदक बना है, देखिए वाह लग रहा है ना। अच्छा तो ये आपका पहला मोदक, सुंदर सुंदर मोदक बन के तैयार है। वाह अच्छा लग रहा है ना डिजाइन। तो चलिए एक और मोदक बना के बताते हैं फ्रेंड्स। ये आपका पहला मोदक बन गया, ये दूसरा भी रेडी हो रहा है फटाफट। तो इसी तरीके से बनाइएगा। अगर आपको हाथ से बनाने आता है तो आप हाथ से बना लीजिए। ये इसी तरीके से हम इसमें भी भर देंगे। देखिए आपका ये दूसरा मोदक बन के रेडी हो गया। तो फ्रेंड इसी तरीके से हम सारे मोदक को बनाएंगे। देखिए सुंदर सुंदर मोदक बनाएंगे। तो चलिए ये दूसरा मोदक रेडी हो गया फ्रेंड्स और सारे मोदक हम इसी तरीके से बनाएंगे। ये हमारा 9 मोदक बन के रेडी हो गया है फ्रेंड्स। तो चलिए तब तक थाली भी गर्म हो गया होगा, तो चलिए हम फटाफट उसमें डाल देते हैं। देखिए गर्म हो गया है ना, घी लगा दिए थे इसलिए लगाए थे कि ताकि ये चिपके नहीं और अच्छा रहेगा। तो इसमें ढक देते हैं 10-15 मिनट मीडियम आँच पर ढकिएगा। ये आपका पहला मोदक बन के रेडी हो गया। तो आप चिमटा से भी पकड़ के निकाल सकते हो, चम्मच से भी निकाल देख सकते हो। तो यहाँ पे ज़्यादा गर्म नहीं है फ्रेंड्स, तो हम हाथ से निकाल रहे हैं, आप संभल के निकालिएगा। ये फ्रेंड्स आपका ये दूसरा मोदक बन के रेडी हो गया। मतलब तो फ्रेंड्स सारे मोदक बन के हम देखिए कितना सारा मोदक गणपति बप्पा और बच्चों और आपका पसंद का मोदक बना के रेडी किया है। तो फ्रेंड्स मेरा मोदक बनाने का तरीका आपको कैसा लगा? तो अच्छा लगा तो चलिए फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और फॉलो कीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। और कैसा लगा और हमने कैसा बनाया तो आप कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और अगर अच्छा नहीं लगा तो पर भी बताइएगा। यहाँ पर हम केसर का दूध डाल देते हैं थोड़ा सा और अच्छा दिखने के लिए। और गणपति बप्पा के भोग लगाइए, बच्चों को खुश कीजिए, आप खाइए, सबको पसंद आएगा और सब आपको तारीफ करेंगे कि आपका मोदक बहुत अच्छा बना है। तो फ्रेंड्स अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा, पर कीजिएगा ज़रूर। और पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरीके से मोदक बनाइए, इसी तरीके से खाइए और स्वस्थ रहिए।